आपकी गलती नगदी खाते सीधा नंबर एक है। मेहरबानी करो आगे बढ़ो, गाड़ी वाले सामने जाओ, गाड़ी गाड़ी वाले सामने each candidate symbol is hand symbol, your symbol hand symbol, my symbol hand symbol. इस लगन से पिछले 15-20 दिन में हमारे कैंडिडेट जनाब मंसूर अली खान साहब के फेवर में, उनकी हिमायत में जो आपने काम किया है, आप घर घर जा रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। 26 तारीख को होने वाले इंतखाबात में हमारे कैंडिडेट मंसूर अली खान और कांग्रेस पार्टी के हिमायत में और इनका हाथ मजबूत करने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, इस सब का नतीजा ये है कि मुझे आज मेरे दिल को इत्मीनान भी है, सुकून भी है और पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा भी है कि 26 तारीख को होने वाले इंतखाबात में शिवाजी नगर हलके से बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ हम मंसूर अली खान को वोट डालने वाले हैं और इनको हमारे एमपी बना करके आप सबकी नुमाइंदगी करने, आप सबकी खिदमत करने दिल्ली को पार्लियामेंट भेजेंगे, वहां से हक और इंसाफ के लिए जा हो, जिस वाले इलेक्शन की फिक्र ना हो। हमारा हर एक वर्कर हर घर गया है, जो हर दरवाजे को खटखटाया है और हमने इल्तिजा की है कि 26 तारीख को जो नतीजा आने वाला है वो इस मुल्क की तकदीर को बदलने वाला होगा, हमारे आने वाली नस्लों को इसका असर होने वाला है और हमारे वजूद का ये जो इलेक्शन है इसे हमें पूरी कामयाबी के साथ निभाना है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे शकील अहमद साहब का, शुजाउद्दीन साहब का, हमारे गोपी का, हमारे सुभाष जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर मुर्गा का, हमारा वार्ड प्रेसिडेंट वहाँ अप्पू हैं और हमारे सैयद जमील यहाँ मौजूद हैं, हसीब हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और किसका बोलूँ, एजाज भाई, एजाज भाई का भी बोलते हैं। तो हमारी पार्टी का हर एक लीडर, हर एक वर्कर, कांग्रेस का हमदर्द, जितने भी हमारे हमदर्द लोग हैं, सब मिलकर के हमने काम किया है। यहाँ पे जितने लोग आप बारगाह में खड़े होकर या अल्लाह के उनके हाथों से हमारे
कैंडिडेट जनाब मुख्यमंत्री खान साहब के हक में दुआ के लिए जमा हुए हैं। या अल्लाह अरशद साहब जो मेहनत कर रहे हैं उसे कामयाबी अता फरमा। जनाब शकील अहमद साहब जो मेहनत कर रहे हैं उसे कामयाबी अता फरमा। जनाब शुजाउद्दीन साहब जो मेहनत कर रहे हैं उसे कामयाबी अता फरमा। सैयद जमील साहब जो कोशिश कर रहे हैं उसे कामयाबी अता फरमा। हमारे तमाम यहाँ भाइया जो हमारा मुर्गन है, हमारे सूरी है, अबू है, हमारे सुभाष सर है, ये सब मिलकर हम तमाम मिलकर भाई भाई की तरह मेहनत कर रहे हैं। या अल्लाह हमारे इस एकता को कामयाबी अता फरमा। अल्लाह वादा है जहाँ 40 बंदे जमा होते हैं वहाँ एक बच्चा हर बंदा होता है। इस पाक अल्लाह के पाक कमाल और मोहम्मद शुरू से तो लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। अब ये जो देख रहे हैं आज ये जो वाड़ा है या जहाँ पर हम खड़े हैं ये आगे जयमहल वाड़ा था, जयमहल वाड़ा था हजरत कम्बल पोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास का ये रोड आता है, ये दरगाह के पास ये जयमहल की कॉन्स्टिट्यूंसी को लगता है। रिस्पांस तो बहुत अच्छा है कैंडिडेट के बारे में और हमारे MLA रिजवान अरशद के बारे में और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। जो 5 स्कीमें जो निकाले हैं हमारे सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट और DK शिवकुमार साहब की गवर्नमेंट में उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। इस रिस्पांस की वजह से लास्ट टाइम से ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे, इससे ज़्यादा उसकी उम्मीद है। यानी MLA इलेक्शन में जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उससे ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। क्योंकि इस बार ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से जो 5 स्कीम लगाए हैं वो स्कीम की वजह से और हमारे रिजवान अरशद के काम की वजह से कैंडिडेट को और ज़्यादा लीड मिलने की उम्मीद है।